नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम नवीन जांगिड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc सेकंड सेम जो फाइनल एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उनके बारे में। तो उसमें मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो कैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज में काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ और वीडियोज़ में से क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते, ये आप अपने सीनियर बच्चों से जो भी BSc कर रहे हैं अभी फाइनल ईयर में या सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर वाले को ज़्यादा पता होगा तो आप उनसे पूछेंगे। और कम से कम पाँच से पूछना और पाँच से पूछना और रिव्यू को देखना हो क्या बताते हैं, उसके बाद आप बिलीव कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे मैं बताता हूँ, तो हर यूनिट में से छोटे क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, अभी उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। अभी हम हर यूनिट के जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट के चार क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, फिर यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़े क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। छोटे क्वेश्चंस के ऊपर हो सकता है मैं आपको PDF दे दूँ उसकी, कि छोटे क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होगी तो मैं दे दूँगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो बना दूँ छोटे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का भी पेपर है जो सेकंड सेम में बच्चे हैं उनका, 24 तारीख को जनरल हिंदी का है और 26 को जनरल इंग्लिश का पेपर है। तो आप उसके लिए भी आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, सेकंड सेम की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जनरल हिंदी और इंग्लिश की, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, यानी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों बच्चों को फ़ायदा हो सके। इंग्लिश में हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या मैं बोलने में मिस्टेक कर जाऊँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे मेरे को बोलते हैं कि आप भैया लास्ट मोमेंट पे वीडियोस डालते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वीडियोज़ पहले आएगी, लेकिन एक कंडीशन है, जैसे अभी मैंने मैकेनिक्स पर वीडियो डाल दी, अब ये वीडियो आपको खुद देखनी है और खुद शेयर करनी है अपने दोस्तों को जो भी आपकी क्लास में है, ऐसा अब तो खूब हो गए। तो अब हमारा हर वीडियो का, जैसे मैं फोर्थ सेम, सेकंड सेम और सिक्स सेम में सब पे रहेगा कि वीडियो डाली, जैसे ही वीडियो 1000 क्रॉस करती है उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर की वीडियो वो अपलोड हो जाएगी, तब तक नहीं होगी। तब तक अगर वो वीडियो 1000 से क्रॉस करती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर की वीडियो वो उसके बाद जस्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं वीडियोज़ बना के रख लेता हूँ। और अगर वो नहीं होती है तो फिर वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही अपलोड होगी, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो है रॉकेट चरण, एकल चरण रॉकेट की तुलना में बहुचरण रॉकेट के लाभों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज रॉकेट ओवर ए सिंगल स्टेज रॉकेट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यास टक्करों में ऊर्जा और संवेग संरक्षण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एंड एनर्जी इन इलास्टिकल कोलिजन। थर्ड है रॉकेट का सिद्धांत बताते हुए उसके अंतिम वेग के लिए निम्न संबंध, ये क्या है, V = V₀ + VR log E ε·m स्थापित करें। पदों के सामान्य प्रचलित अर्थ हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, इस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिलेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी V = V₀ + VR log E ε·m वेयर द टर्म्स हैव यूजफुल मीनिंग, ठीक है। चौथा है सिद्ध करो प्रूव दैट द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मार्स सिचुएटेड एट द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में से ये क्वेश्चंस थे जिनके आने के चांसेस अच्छे हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो पहला क्वेश्चन है ग्रह गति के लिए केपलर नियम का उल्लेख करें, केपलर क्षेत्रफल नियम को व्युत्पन्न करें। गिव केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन, डिराइव केपलर्स लॉ ऑफ एरिया, ओके। सेकंड क्वेश्चन है किसी वस्तु के गुरुत्वीय तथा जड़त्वीय द्रव्यमान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी। थर्ड क्वेश्चन है केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन है संघात प्राचल एवं प्रकीर्णन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर्स एंड स्केटरिंग एंगल। तो सेकंड यूनिट में से ये चार क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। थर्ड में से हम देखें तो यूनिट थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं अपरूपण गुणांक को समझाइए। एक्सप्लेन बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। सेकंड है एल लंबाई के ठोस बेलन को थीटा कोण से ऐंठन के लिए तो बल युग्म की गणना करें। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क तो रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए लेंथ एल बाय एंगल थीटा। थर्ड क्वेश्चन है पदार्थ के अणु सिद्धांत के आधार पर प्रत्यास्थता सीमा
पराभव बिंदु और विभेदन बिंदु को समझाइए। एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी सिटी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर। और फोर्थ क्वेश्चन है सिद्ध करो y बराबर, ये आप देख सकते हैं और ये आपको देख सकते हैं। तो थर्ड यूनिट में से ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट फोर में से हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार परिच्छेद वाले दंड में दंड के बंकन आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश ए एक्सप्रेशन फॉर ए बॉन्डिंग मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बैन। सेकेंड क्वेश्चन है सरल के उपकरण से प्रत्यास्थता गुणांक को y नीटा सिग्मा का मान ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन इलास्टिक कांस्टेंट और ये दिए हुए हैं सरल्स मेथड। थर्ड है गतिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक नीटा का मान ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नीटा बाय डायनोमिकल मेथड। फोर्थ क्वेश्चन है कैंटिलीवर क्या है। एल लंबाई के कैंटिलीवर के एक सिरे पर डब्लू भार लटकाया जाता है। अवनमन एस का सूत्र ज्ञात करें। व्हाट इज ए कैंट वाइज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन एस एट द एंड ऑफ कैंटिलीवर। तो ये चार यूनिट में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी हमने बात की। उसके बाद एक बात मैं अभी आप भी आप सेकंड सेकंड में तो शायद पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चंस आएंगे। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं और जो मुझे लगता है कि इस बार भी आ सकते हैं वो सब देख के एनालिसिस करके मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें बताता हूँ ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। कई बार हो जाता है वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नहीं मिलते। तो आप पूरी इसके भरोसे ना बैठें, आपको ऐसा लगेगा कई बार कि पूरा क्वेश्चन उस वीडियो में से ही मिल रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि क्वेश्चंस मेरी वीडियो में से आते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।